जी, बीजेपी क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर सर, एक तो लंबे समय तक कांग्रेस रही, उसके बाद आप जिस तरह से आए बड़ी दिलचस्प रही, 17 की सरकार बनाना और फिर 22 में भी, लेकिन क्या यहां पर ये जो विवाद खड़ा हो गया और एक एक बड़ा वर्ग खड़ा हो रहा है विरोध के लिए, और वो कहते हैं कि ये तो दरअसल जो अकादमिक स्वतंत्रता है उसका अपमान है, या वो कहते हैं कि मौलिक स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं आप लोग। जयराम रमेश का ट्वीट तो आपने देखा ही होगा, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक बीजेपी रूल स्टेट्स का जिक्र करते हैं जहां बीजेपी शासित राज्यों का, कि ये अजीब सी स्थिति पैदा कर दी गई है। तो क्या क्या तर्क आप लोगों के पास है सर? जिन्हें जी, खाली इसमें एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो जयराम रमेश जी ने कहा है उस पर, उस ऑर्डर की कॉपी देखिए, उस पर लिखा हुआ है कि जो बुक्स हैं, सम बुक्स पब्लिश इन द हिस्ट्री कॉमा कल्चर ट्रेडिशन एंड ज्योग्राफी ऑफ द स्टेट। अभी क्या हुआ, इनकी जो ये बुक है, यदि हमको जो जितना इंफॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से, उसमें जो वहां की जनजातियां हैं उनको कुछ रोष है कि उनका कहना है कि ये बाहर से आए, कुछ किसको लिख दिया गया कि ये पहाड़ पे रहते थे। मेरा ये कहना है कि इस टॉपिक पर जब लिखा जाए जो वहां के लोकल एरिया के लिए सेंटिमेंटल है, और बहुत सालों के बाद आपने देखा होगा पिछले 5-7 सालों से वहां पर एक बड़ा पीस का माहौल है, उसको यदि कुछ डिस्टर्ब करता है तो इस तरीके के डिसीजन लिए जाने चाहिए। हम इसको ठीक मानते हैं और इसमें किसी को गलत मानना भी नहीं है। यदि किसी के बुक्स में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो गलत हैं और इस कमेटी के सामने जाते हैं और उसको वो ठीक करती है कि ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा कहा गया है, बिकॉज जिस ब्रिगेडियर ने लिखा है इज नॉट द हिस्टोरियन, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, इन्होंने